हलका दसुआ विधायक अरुण मिकी डोगरा ने नगर कौंसिल तलवाड़ा के अधीन आते वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला सानपुर में नए बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए नगर कौंसिल तलवाड़ा की प्रधान मोनिका शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला सानपुर के लोगों की यह समस्या थी कि उनके मोहल्ले में भी कम्युनिटी सेंटर न होने की वजह से छोटे फंक्शन करने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने हलका दसुहा विधायक अरुण डोगरा से इस संदर्भ में बातचीत की थी, जिस पर विधायक डोगरा ने कम्युनिटी सेंटर के बनाने के लिए 4 लाख रुपए की राशि मंजूर करवाई थी। अज मैं इतने दसना चाहती हूँ कि साढ़ा यह 4 लाख की लागत न बनने वाला कम्युनिटी हॉल तैयार होना है, जिहड़ा कि अपने वार्ड नंबर 3 के वासियों को एक बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिहड़ा कि किसी भी ब्याह शादी को या किसी भी तरीके के पार्टी फंक्शन को करने लिए एक काफी बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैं दसना चाहती हूँ कि साढ़े विधायक श्री मिकी डोगरा जी ने इतना काम किया है, सड़क नालियां तो बहुत हुई हुई ने, एक तो साढ़े कंडी की पानी की समस्या जी थी ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਨਪੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸਾਨਪੁਰ 1-2 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਜੀ ਨੇ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਐਮਸੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨਜੂ ਜੀ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ विजय जी, रमन गोल्डी जी, धर्मवीर जी, बहुत सारे मेरे इतने साथी है, जे मैं किसी का नाम ना ले सका तो मैं माफ़ी चाहवागा। मैनू याद है कि मेरे को कुलदीप जी, कुलवंत राणा जी, मनोहर लाल जी अपने साथियों समेत मैनू मिले और मिल के इस कम्युनिटी हाल की गल की कि साढ़े वार्ड साढ़े मोहल्ले कोई भी ऐसी जगह है नहीं जिथे कोई खुशी का कोई दुख सुख का कोई प्रोग्राम होवे उत्थे असीं इकट्ठ कर सकीए। बहुत वधिया होवे जे तुसीं साढ़े मंदिर एक जिहड़ा है कम्युनिटी हाल बनाने की गल करिए। सो मैं अपने एमसी साहबाना नाल रिक्वेस्ट की थी कि एक वाजिब मंग है जल्द तो जल्द जिहड़ा है पैसे दे के इत्थे कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जा सके। और तुहानूं सारे मुबारकबाद दिंदा अज जिहड़ा है उहदा असीं उद्घाटन करता है, बहुत जल्द इस कम्युनिटी सेंटर का काम शुरू हो जाना। मैनूं पता है इस वार्ड दे विच बहुत सारे मकान जिहड़े है लाल लकीर च, लाल लकीर की गल तो यह है अभी घर च बैठे हैं तो मालक हाँ, जो खुदा ना खास तो सानू लोन पर ही करना पै जाए तो 1 रुपया सानू उहदे पर नहीं मिलता। पंजाब सरकार ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जिहड़े भी बंदे जिथे जिथे लाल लकीर च बैठे है पूरे पंजाब का सर्वे चलता पिया है और सर्वे पूरे होंदे ही जड़े जड़े बंदे लाल लकीर च बैठे है बगैर उन्हां तों 1 रुपया ले उन्हां नूं मालकां ना हक दे रहे हैं। ये बहुत वड्डा एक उपराला है पंजाब गवर्नमेंट का जिहदे नाल असीं अपने घर च बैठे कब्जा ही सी ना साडा सरकारी तौर ते मालक सीगे नहीं लेकिन कानूनी तौर पर असं जे हम मालक बन जा रहे। सो जिन्हें भी 4.5 साल के 4.5 साल 2 साल कोरोना रहा 4.5-3 साल मैं कम करने मिले है और
सारा कामकाज तलवाड़े शहर का सामने है। जिन्ना वध तो वध असी ने विकास करा सके असी नगर पंचायत द्वारा कराया राधा पौने 3 साल नहीं 2 साल ही समझो जो साड़ी नगर पंचायत बनी है उस तो बाद जड़े डिवेलपमेंट के काम है तो सारे शहर वासियों के सामने। तो मेरी बेनती है अगले 2 महीनों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं अपनी टीम के नाल पूरे जोर के नाल शहर के और पिंड काम किया है। आने वाले 2 महीने इलेक्शन होने हैं, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा एक बार फिर 2017 की तरह मैनू अपना आशीर्वाद दिओ ताकि विधानसभा जाके कोई रेंदे अपने हल्के के काम संभाल सकां। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद।